बॉलीवुड में कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने कई साल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद डिवोर्स ले लिया। इन कपल में से कुछ ने नया पार्टनर ढूंढकर शादी कर ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने को पेरेंट बनकर अपने बच्चों की देखभाल की और दोबारा शादी नहीं की। आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही पत्नियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने डिवोर्स लेने के बाद शादी नहीं की। नंबर 1, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने 11 साल साथ रहने के बाद अपनी शादी खत्म कर दी थी। करिश्मा को उनके बच्चे समायरा और कियान की कस्टडी मिली। करिश्मा और संजय का साल 2016 में तलाक हो गया था। आज करिश्मा अपने बच्चों की परवरिश में काफी बिजी हैं और दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती। नंबर 2, जेनिफर विंगेट। अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों के बीच काफी मनमुटाव रहने लगा, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। जहां करण ने साल 2016 में एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी की, वहीं जेनिफर ने अब तक दूसरी शादी नहीं की है और अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। नंबर 3, अमृता सिंह। अमृता सिंह और सैफ अली खान ने साल 2004 में अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर तलाक ले लिया था। इन दोनों के 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। जहां सैफ अमृता से तलाक लेने के बाद मूव ऑन कर गए और उन्होंने करीना कपूर से शादी कर ली, तो वहीं अमृता सिंह ने सिंगल रहना ही चुना और वह सैफ के साथ अपने बच्चों की को पेरेंट बन कर रह गई। नंबर 4, रीना दत्ता। रीना दत्ता और आमिर खान 16 साल तक शादी में रहे, लेकिन साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। आमिर ने बाद में किरण राव से दूसरी शादी कर ली थी। इनका एक बेटा भी है। हालांकि आमिर और रीना ने अपने तलाक के बाद एक शानदार दोस्ती शेयर की और अपने बच्चों ईरा और जुनैद को एक साथ पाला। नंबर 5, आरती बजाज। अनुराग कश्यप की पहली पत्नी आरती बजाज है। वो अपने कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन उनकी शादी खत्म हो गई क्योंकि अनुराग की शादी कल्कि कोचलन से हुई। आरती ने अकेले रहने का फैसला किया और उन्होंने दूसरी बार शादी नहीं की। वह आपको बता दें कि अब अनुराग और कल्कि कोचलन भी अलग हो चुके हैं। नंबर 6, निक्की बेदी। कबीर बेदी ने साल 1992 में निक्की बेदी से दूसरी शादी कर ली और साल 2005 में वो अलग हो गए, जबकि कबीर ने तीसरी बार परवीन दुसान से शादी कर ली, लेकिन निक्की अभी भी सिंगल ही हैं। नंबर 7, संगीता बिजलानी। दोस्तों, संगीता ने साल 1996 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी की थी, लेकिन इन दोनों का साल 2010 में तलाक हो गया। आपको बता दें कि संगीता अब लगभग 60 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अब तक दूसरी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर रहा है कि संगीता और सलमान के प्यार के चर्चे इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रहे हैं। बता दें कि आज भी संगीता को सलमान के घर पर आते जाते देखा जाता है। नंबर 8, पूजा भट्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री पूजा भट्ट 80 और 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। बता दें कि पूजा ने साल 2003 में मनीष मखीजा से शादी की थी, लेकिन 9 साल के बाद इनकी शादी टूट गई। साथ ही अभी तक पूजा भट्ट ने दूसरी शादी भी नहीं की और इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।